नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सीमा पर बढ़ रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की उच्च स्तरीय बैठक। एक घंटे तक चली बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की गई समीक्षा। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। गुजरात में कच्छ से एटीएस के हाथे चढ़े आईएसआई के दो जासूस। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना के मूवमेंट की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाने का आरोप। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली का लाल किला। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद और चाक चौबंद किए गए सुरक्षा के इंतजाम। साथ में पाकिस्तान को अलग थलग करने के बाद अब भारत की नई तैयारी। पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए ब्रिक्स देशों से भी भारत करेगा बात। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर विवादास्पद ट्वीट। लिखा, चुनाव जीतने के लिए भारत पाकिस्तान में युद्ध कराना चाहते हैं मोदी। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का अमेरिका ने किया समर्थन। भारत की कार्रवाई को बताया आत्मरक्षा का अधिकार। वहीं अफगानिस्तान की शांति को कश्मीर से जोड़ने पर पाकिस्तान की निंदा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने सीरीज की अपने नाम। बांग्लादेश को 2-1 से हराया। सैम लिंकसन और बेन डकेट के अर्धशतकों की बदौलत इंग्लैंड ने जीती सीरीज। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।